नियामक आयोग की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022-23 को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 की उपधारा 2 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। धारा कुछ नियम 19 माननीय सभापति लोक लेखा समिति। माननीय सभापति लोक लेखा समिति, माननीय सभापति लोक लेखा समिति पढ़िए ना, मत संख्या 19 वो बैठे हैं। नहीं, खतरा नहीं है कुछ, यहाँ कोई खतरा नहीं है, हाउस में मेरे रहते हुए कोई खतरा नहीं है। उसका जवाब आ गया माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, इनको अपने चैंबर में बुला के आप सुन रहे हैं, और संसदीय कार्य मंत्री जी को इनके कष्ट को सुनने का भी मौका मिल जाएगा। ठीक है, वो सुन तो ये मैं कह देता हूँ सुनने। आप माने संसदीय कार्य मंत्री जी, आप इसका कोई समय निर्धारित अपने चैंबर में बुला रहे हैं। मैंने भी संज्ञान ले लिया है, मैंने कहा भी, नेता सदन ने भी कल संज्ञान ले लिया, आपने उनके सामने बात की है, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ठीक है, बात कल हो गई, बात कितनी बात नहीं है, ये बात कल पूरी बात हो चुकी है। मान लो पूरी बात कल आ गई, उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। मान लो माननीय सभापति लोक लेखा समिति, सवाल निर्णय का है कि आपने निर्णय जो लिया, उसकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है इस समय, मुकदमा वापस नहीं हुआ है। देखिए ऐसा है, सुनिए अध्यक्ष जी, नहीं इस तरीके से नहीं सुनेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस में कुछ नहीं होगा, कोई हत्या वत्या नहीं होगी, कोई हत्या ना हो और नहीं होगी। सरकार ने इस बात के लिए सुनिश्चित किया, आपके लिए जो सिर्फ मेरा निवेदन है, नहीं इस प्रकार से अगर आप कोई बात सुनाना चाहते हैं तो मैं सुनूंगा भी नहीं, और मंत्री जी से कोई जवाब की अपेक्षा भी मैं नहीं करता। नहीं, कल जो है, कल माननीय नेता सदन ने उनसे बात भी हो गई। अच्छा, नेता सदन के आगे क्या कहा जाएगा? नहीं, ये अपने आप में नहीं, ये मानवर ये तरीका भी नहीं है। मानवर एक बार आपकी बात आ गई, नेता सदन ने स्वयं उसका संज्ञान ले लिया, हमने कह भी दिया कि सुरक्षा की पूरी जानकारी, इससे ज्यादा नहीं कहा जा सकता, पूरी जानकारी। देखिए, माननीय नेता सदन ने उसका संज्ञान लिया, और संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि इसके अलावा और क्या चाहते हैं? गलत वापस किस वजह से लिया, इसके बारे में जानकारी करना पड़ेगी, इसकी समीक्षा करवा लेंगे, परिवार के सर इसकी समीक्षा करवा लेंगे। कल पूरी बात सुनी गई आपकी, कल भी इसी आधार में सुनी गई। नहीं, क्या हमने अखबार पढ़ा था कि 10 साल के बाद निकले, उसमें मेरा ऐसा है, अगर चाल चलन ठीक रहे, चाल चलन नहीं इसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर किसी सजा आपस में सीधा बात नहीं करिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक सेकंड, देखिए मेरी बात सुनिए, इधर विषय यह है कि कल इस बारे में माननीय सदस्य बिजमा यादव जी ने अपनी पूरी बात कही थी, जब माननीय नेता, अरे सुनो तो समरपाल जी, कोई भी सजा की माफी या ना माफी का अधिकार महामहिम राज्यपाल को होता है, पर राज्यपाल के द्वारा जो लिए गए निर्णय के ऊपर यहां पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं कर सकते। नहीं,
राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। अब किस माननीय सदस्य की, माननीय सदस्य की, तो ये आप लोग अपने अपने, मेरा ये निवेदन है कि आप लोग अपने अपने विषय के नंबर बढ़ाने के लिए यहां पर आए हो। मेरी बात उस विषय के ऊपर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि उनकी, उन्होंने कहा मैं इनकी सुरक्षा की गारंटी लेता हूं, उससे ज्यादा वो क्या कहेंगे। अरे गारंटी लेने के लिए जो कुछ भी उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक होगा वो करेंगे। अब प्रदीप जी का क्या हुआ ये अलग विषय है, जिस विषय के ऊपर आप आए नहीं, वो ऐसे कोई भी कुछ भी बोला और आप यहां पर दल में आ जाएंगे या नहीं। सभापति लोक लेखा समिति, सभापति लोक लेखा समिति के द्वारा जो प्रस्तुत है किया वो प्रस्तुत माना गया, 20 सभापति लोक लेखा समिति के द्वारा इसको प्रस्तुत माना गया, 21 सभापति लोक सेवा समिति द्वारा प्रस्तुत माना गया, 22 लोग सभापति लोक सेवा सरकारी आश्वासन समिति, कौन है सरकारी आश्वासन समिति, 21 सरकारी सभापति सरकारी आश्वासन समिति है। बोलिए पढ़िए। आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के वर्ष 2022-23 का चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास सुरक्षा वापस उसको अलग से तरीके से कही, हाउस में आके ऐसे थोड़ी बोलेंगे, कुछ भी हो जाएगा आप लोग हाउस में आके ऐसे बोलेंगे, उसका एक तरीका नहीं है, उसका तरीका अपनी बात कहने का, उसका हर चीज का एक तरीका होता है, कुछ हो जाएगा हाउस में लोग आ जाएंगे ऐसे थोड़ी होगा। चिकित्सा परिवार कल्याण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के वर्ष 1998 से वर्ष 2022 तक के उन आश्वासनों से संबंधित है उन्हें समिति द्वारा पूर्ण मान लिया गया है का 153वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, पहले व्यवस्थित करिए, मैं ऐसे नहीं कहा, ऐसे मैं नेता प्रतिपक्ष ने बुला करके, मैं जब ये बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा कही गई है कि उनकी सुरक्षा की मैं गारंटी ले रहा हूं, अब इसके ऊपर आप क्या चाहते हो मुझे आप बताइए नेता प्रतिपक्ष। अरे इनकी सुरक्षा का है थोड़ा सा, वो तो सुरक्षा की तो बात है, नहीं बढ़ाना ना बढ़ाना ये इश्यू नहीं है, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री की उनकी सुरक्षा की मैं गारंटी लेता हूँ ये कहा, तो गारंटी के ऊपर कौन की गारंटी चाहिए बताइए। चले आओ जी, अब वो गारंटी ले ले कह रहे हैं तो चलो। नेता प्रतिपक्ष किसी दबाव में मत आइएगा, हम आपके साथ हैं। इनके सुरक्षा की समीक्षा करवा लेंगे, जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप कार्रवाई करवा देंगे। आइए 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 चले संख्या 22 सभापति सरकारी आश्वासन पढ़ दिया आपने, 22 भाई 21 पढ़ा, 22 नहीं पढ़ा। पढ़िए पढ़ रहे ना 22, अरे पढ़ो ना गुरु। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के वर्ष 2022-23 का महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, पशुपालन विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण एवं सेवा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के वर्ष 2000 से 2023 तक के उन आश्वासनों संबंधित है जिन्हें समिति द्वारा पूर्ण मान लिया गया है का 154वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। सभापति सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से, आपने पढ़ा नहीं था महबूब साहब, चलिए इसके बाद सभापति उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं
निगम संयुक्त समिति 2022-2023 का 16वां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2005-2006 1991-1992 व 1996-1997 वाणिज्यिक में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा हैंडलूम निगम लिमिटेड से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 24 से 28 तक सभापति से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2022-2023 का 17वां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2008-2009 वाणिज्यिक में उल्लिखित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है प्रस्तुत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल